तो कॉन्वर्सेशन एसेंशली इज अ फेल्ड इंटेलेक्चुअल स्किल, इट्स एक्चुअली एन इंस्टिंक्टिव स्किल। कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कोडिंग, पेंटिंग, प्लेइंग, बिकॉज कॉन्वर्सेशन में एक तो सारा रिस्पॉन्स जो है वो बड़ा इंस्टेंट है। तुम पेंट कर रहे हो, तुम रुक के सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो। दूसरा, एक कॉन्वर्सेशन में जो दूसरी एंटिटी है जिससे तुम बात कर रहे हो वो कॉन्स्टेंटली तुम्हें नाप रहा है और तुम्हें ये बात पता है। तो जैसे ही तुम कॉन्वर्सेशन से एक प्लैंड मैनर में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो ना, ना तुम इतनी जल्दी वो सोच के डिलीवर कर पाते हो और ना ही तुम सामने वाली एंटिटी का ट्रस्ट जीत पाते हो, चाहे वो कोई भी हो। तो कॉन्वर्सेशन एसेंशली इज अ फेल्ड इंटेलेक्चुअल स्किल, इट्स एक्चुअली एन इंस्टिंक्टिव स्किल, क्योंकि तुम्हें इंस्टिंक्ट पे खेलना है, इंटेलेक्ट पे नहीं खेलना है कॉन्वर्सेशन करते हुए। व्हाट दैट मींस इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर इंटेलेक्ट योर इंस्टिंक्ट, कि जो मेरे को समझ में आता है वो मेरे को डीपली मेरी बॉडी लेवल पे समझ आ जाए, यू विल मेक मेनी फेलियर्स बिकॉज यू विल गो थ्रू मेनी राउंड्स ऑफ ट्राइंग दिस। तो पहली बात तो रिलैक्स, मार जाओ, ये गलतियां होंगी ही होंगी ब्रो, और कोई तरीका ही नहीं है। द सेकेंड थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज विद कॉन्वर्सेशन, फॉर्मैट इज नॉट प्रिपेयर एंड वेन यू परफॉर्म थिंक अबाउट वॉट यू प्रिपेयर्ड, बिकॉज यू कैन नॉट डू दैट विथ कॉन्वर्सेशन। फॉर्मैट इज प्रिपेयर, बट वंस यूर इन अ कॉन्वर्सेशन जस्ट डू द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, क्योंकि तुम ट्रेन इंस्टिंक्ट को कर रहे हो, तुम ट्रेन कर रहे हो कि तुम्हारी पहली बात ही बहुत सही हो, क्योंकि तुम्हें स्पॉन्टेनियस भी होना है और नेचुरल भी। तो जब तुम कॉन्वर्सेशन में घुसो, तुम्हें कंट्रोल छोड़ना है, पकड़ना नहीं है, क्योंकि पकड़ोगे तो कंफ्यूज होगे, तुम क्लियर नहीं सोच पाओगे उस टाइम पे, तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता होगा क्या बोलना है, तुम्हारे पास शर्लक होम्स हो ही नहीं, है ही नहीं तुम्हारे पास वो स्किल, कुछ कर ही नहीं सकते तुम, ये सच है। तो यू कैन नॉट एग्जीक्यूट अ प्लान कॉन्वर्सेशन मैन, यू कैन प्रिपेयर फॉर इट, बट वेन यूर इन अ कॉन्वर्सेशन यू गॉट टू लेट गो एंड लेट, इट्स लाइक अ डांस, यू लेट योर इंस्टिंक्ट टेक ओवर, तुम उसको बिल्कुल स्मूथली एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। मोस्ट कॉन्वर्सेशंस आर ऑकवर्ड, इवन फॉर मी, इवन स्टिल, द ओनली डिफरेंस इज आई पुश थ्रू द ऑकवर्डनेस, एंड ऑल्सो आई हैव लर्न टू, लेट्स से, जो जंप ओवर द ऑकवर्डनेस एज वेल इन सो मेनी वेज, बट अ लॉट ऑफ देम आर वेरी लाइक, मतलब बड़ी हैपहैज़र्ड सी होती है, क्योंकि इंसान इम्परफेक्ट है और वो इम्परफेक्ट तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। हमें पिक्चरों में एक कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्शन का जो हम लोगों ने समझ लिया है, एज इफ हमें ऐसे बात करनी है, बट वो सच नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो डोंट थिंक यू विल बी जेम्स बॉन्ड व्हेन यू एंटर अ कॉन्वर्सेशन, यू विल मोस्ट लाइकली बी माइकल स्कॉट, बट हाउ डू यू बिकम फर्स्ट ओके विद बीइंग माइकल स्कॉट एंड देन पॉलिश द एजेस, दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू थिंक अबाउट। तो कॉन्वर्सेशन सीखने का तरीका, तुम कितना भी थ्योरी, कितना भी दिमाग लगा लो, पहले तक जब तुम कॉन्वर्सेशन में हो दिमाग नहीं लगा सकते, तुम लगा ही नहीं सकते दिमाग, वो स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। यू हैव टू प्रीटी मच लेट इट हैपन एज इट कम्स इंस्टिंक्टिवली, सो दैट अब जो तुम गलती भी करो उसका करेक्शन तुम्हारी इंस्टिंक्ट में कोड हो। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? योर एग्जीक्यूशन हैज टू बी स्पॉन्टेनियस। कॉन्वर्सेशन इज अ स्किल ऑफ द बॉडी, ऑफ द इंस्टिंक्ट, नॉट ऑफ द माइंड। इमेजिन करो कि तुम कल एक इंटरव्यू देने जाने वाले हो, तुम एक डेट पे जाने वाले हो, यू आर सपोज टू मीट पीपल हु यू वांट टू एसोसिएट विद फॉर प्रोफेशनल और पर्सनल रीजंस, राइट? एंड यू डू नॉट नो हाउ, बिकॉज ट्रस्ट मी, आई नो मोस्ट ऑफ अस डू नॉट नो हाउ, आई वॉज वन ऑफ दैम, आई हैव बीन थ्रू दैट, आई डिड नॉट नो हाउ टू पुट वेल माई थॉट्स एंड माई फीलिंग्स अक्रॉस, एंड नॉट जस्ट दैट, हाउ टू होल्ड somebody's अटेंशन, हाउ टू कम अक्रॉस as somebody everybody else might want to be friends with, right? I understand that problem. I do. For that, I've created The Art of Conversation. I think you should go check it out.